हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स एंड दिस इज पार्ट सेकंड वीडियो एक्सप्लेनेशन। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्वरोजगार। फैक्ट्री, फैक्ट्री को हम बोलते हैं कारखाना। वर्कशॉप, वर्कशॉप को हम बोलते हैं कार्यशाला। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? उद्योग। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेपर, मशीनरी, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, वो क्या करते हैं? उन उत्पादों का निर्माण करते हैं जैसे प्लास्टिक गुड्स, यानी कि प्लास्टिक से बना हुआ माल, गारमेंट्स यानी कि कपड़े लत्ते, फुटवियर यानी कि जैसे हमारे जूते होते हैं, तो जूते हमारे किस में आते हैं? फुटवियर में आते हैं। जूते हुए, मोजे हुए, ये सभी क्या हैं? फुटवियर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऐसा माल जिसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। पेपर यानी कि कागज़। मशीनरी, मशीनरी का क्या मतलब है? जैसे कोई मशीन है, वो सभी बनाई जाती हैं, उन सभी का निर्माण होता है। और कुछ मशीन्स तो ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये सभी जो मशीनरी हैं, ये भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही एक पार्ट है। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े। दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ पीपल इन सम इंडस्ट्री। ये जो उद्योग हैं, ये क्या करते हैं? रोज़गार देते हैं थाउजेंड ऑफ पीपल यानी कि हज़ारों लोगों को। इन सम इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील उद्योग है, वो क्या, उसमें क्या होता है? द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो निर्माण प्रक्रिया है, दैट गोज़ ऑन नॉन स्टॉप, वो लगातार वहाँ पर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। इन सच प्लेसेस पीपल वर्क इन शिफ्ट, और ऐसी जगहों पर जो लोग होते हैं वो शिफ्ट में काम करते हैं। देयर आर थ्री शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स ईच डे। वहाँ पर थ्री शिफ्ट यानी कि तीन शिफ्ट होती हैं 8-8 घंटे की हर एक दिन। अमरदीप रन्स अ गारमेंट शॉप। जो अमरदीप है वो वस्त्रों की दुकान चलाता है इन द लोकल मार्केट। जो स्थानीय मंडी है वहाँ पर। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। वो कौन है? एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर को हम उद्यमी बोलते हैं। ही इज़ रेंटेड द शॉप। उसने अपनी दुकान को क्या दिया? किराए पर दिया। फ्रॉम अ रियल एस्टेट पर्सन। जो अचल संपत्ति व्यक्ति है, उसको उसने अपनी जो दुकान है उसको किराए पर दे दी। ही सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स। वो बने बनाए कपड़े, बने बनाए वस्त्र, एज वेल एज ऑफर्स टेलरिंग सर्विसेज, और
सिलाई संबंधी सेवाएं अपनी दुकान पर देता है। अमरदीप गेट्स द गारमेंट्स स्टिच्ड इन हिज फैक्ट्री। जो अमरदीप है वो वस्त्रों की जो सिलाई है वो कहाँ से लेता है? अपनी फैक्ट्री से, अपने कारखाने से। यानी कि उसे अपने कारखाने से सिले हुए वस्त्र प्राप्त होते हैं। ही बाइज क्लोथ, वो कपड़ा खरीदता है। एंड अदर एसेसरीज, और जो अन्य एसेसरीज हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, सामान बोला जाता है, फ्रॉम द होलसेल डीलर्स, जो थोक व्यापारी होते हैं उनसे वो क्या खरीदता है, कपड़ा खरीदता है और अन्य सामान खरीदता है। अमरदीप रियलाइजेस, अमरदीप को ये एहसास होता है दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर ब्रांडेड गारमेंट्स, जो गारमेंट्स हैं, जो वस्त्र हैं, जो कि ब्रांडेड यानी कि जो कि जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई ट्रेडमार्क जुड़ा हुआ है, उनकी बहुत ज़्यादा मांग है मार्केट में। तो अमरदीप को इस चीज़ का एहसास होता है। सो नाउ ही इज़ ट्राइंग टू ऑब्टेन फ्रेंचाइज ऑफ ऑल वेल नोन ब्रांड। तो अब वो ये क्या करता है कि कोशिश करता है प्राप्त करने की कि उसे कोई फ्रेंचाइज यानी कि विशेष आज्ञा से ली गई वस्तु को बेचना। फ्रेंचाइज का मतलब है कि कोई आपने उस सामान को बेचने के लिए कोई विशेष आज्ञा ली है तो उसको हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो वो फ्रेंचाइज उस सामान को बेचने के लिए वो क्या ले लेता है, फ्रेंचाइजी ले लेता है ऑफ अ वेल नोन ब्रांड। कोई जो वेल नोन ब्रांड है उसके लिए, ऐसी ब्रांड जो कि प्रसिद्ध हो उसी की वो क्या ले लेता है, फ्रेंचाइजी ले लेता है। तो वो उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है। इफ़ ही गेट्स द परमिट, अगर उसको क्या मिल जाए, परमिट मिल जाए यानी कि उसे अनुमति मिल जाए, देन ही विल रिवैम्प हिज शॉप। तो वो अपनी जो दुकान है उसके अंदर क्या करेगा, सुधार करेगा। दिस विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर, और इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो भी उसकी दुकान की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अमरदीप वॉन्ट्स टू अर्न इनफ मनी टू बाय हिज ओन शॉप। जो अमरदीप है वो ये चाहता है कि वो पर्याप्त मात्रा में जो धन है उसको कमाए, टू बाय हिज ओन शॉप, ताकि वो अपनी दुकान खरीद सके। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मंथली वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मासिक वेतन रोजगार, इसके बारे में पढ़ेंगे। शांति इज अ सेल्स पर्सन एट अमरदीप शॉप। जो शांति है वो कौन है, एक विक्रेता है एट अमरदीप शॉप, अमरदीप की दुकान पर। शी वर्क्स एट द शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वो मंडे टू सैटरडे अपनी दुकान पर काम करती है। द शॉप इज क्लोज्ड ऑन संडे, जो उसकी दुकान है वो संडे को बंद रहती है, अकॉर्डिंग टू द म्यूनिसपैलिटी रेगुलेशंस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देर आर सम म्यूनिसपैलिटी रेगुलेशंस। जो नगर पालिका विनियमन है उसके मुताबिक संडे को जो दुकान है वो बंद रहती है। शी अटेंड्स टू द कस्टमर्स, वो ग्राहकों का सामना करती है। एंड डिस्प्लेज ड्रेसेस, और वो उनको जो कपड़े हैं वो दिखाती है।
या प्रदर्शित करती है। कोट्स देयर प्राइजेस और उनके जो मूल्य हैं उनको उनकी बोली लगाती है। एंड लेटर फोल्ड्स द गारमेंट्स नीटली और बाद में वो जो कपड़े हैं जो वस्त्र हैं उनको बहुत साफ तरीके से फोल्ड कर देती है यानी कि मोड़ देती है। शी प्रिपेयर्स अ कच्चा बिल, वो क्या बनाती है, एक कच्चा बिल बनाती है एंड गिव इट टू अमरदीप और अमरदीप को दे देती है। अमरदीप वेरीफाइज द बिल, जो अमरदीप है वो क्या करता है उस बिल को सत्यापित करता है वेरीफाई करता है विद द प्राइस टैग, जो कीमत पर्ची है उससे। एंड प्रिंट्स अ प्रॉपर बिल और वो एक प्रॉपर बिल क्या कर देता है उसका प्रिंट आउट निकाल देता है उसको फ्रेश बिल को निकाल करके वो शांति को वापस कर देता है। अमरदीप गिव्स शांति अ मंथली सैलरी, जो अमरदीप है वो शांति को मंथली यानी कि मासिक वेतन देता है। ही ऑल्सो गिव्स हर अ बोनस ऑन दिवाली इफ़ द शॉप मेक्स अ गुड प्रॉफिट, और वो उसको एक बोनस भी देता है कब, दिवाली पर, अगर जो उसकी दुकान है उसको अच्छा मुनाफा हुआ होता है तो। तो ये थे स्टूडेंट्स मंथली वेज एम्प्लॉयमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे डेली वेज एम्प्लॉयमेंट। राखी इज़ अ फैक्ट्री वर्कर, जो राखी है वो कौन है, एक फैक्ट्री वर्कर है। इन अमरदीप्स फैक्ट्री, जो अमरदीप का कारखाना है वहाँ पर। शी वर्क्स इन द डे शिफ्ट एवरी डे, वो जो डे शिफ्ट है उसी के अंदर हर एक दिन काम करती है। शी स्टिचेस द क्लोथ, वो कपड़ों की सिलाई करती है। एंड प्रिपेयर्स रेडीमेड गारमेंट्स, और जो बने बनाए वस्त्र हैं उनको बनाने का काम भी उसी का है। शी स्टिचेस फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस फॉर द समर कलेक्शन, वो क्या करती है कि जो फ्रॉक्स हैं उनको सिलने का काम करती है एंड जो ड्रेसेस हैं जो वस्त्र हैं जो कपड़े हैं उनका जो कि समर्स में पहने जाते हैं गर्मियों में पहने जाते हैं उनका एक कलेक्शन भी क्या करती है वो रेडी करती है यानी कि उन कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करने का काम भी उसी का है। एंड कोट्स एंड ट्राउज़र्स फॉर विंटर, और सर्दियों के लिए कोट्स और ट्राउज़र्स इन सभी को इकट्ठा करके एक कलेक्शन तैयार करती है। अमरदीप पेज राखी डेली वेजेस, जो अमरदीप है वो राखी को रोज का वेतन देता है। राखी अर्न्स ₹500 फॉर 8 hours ऑफ डेली वर्क, जो राखी है वो ₹500 कमाती है 8 घंटे के, वो 8 घंटे रोज़ाना काम करती है और उसके उसे ₹500 मिलते हैं। शी ऑफन डज ओवर टाइम टू अर्न मोर मनी, और वो क्या करती है कभी कभी ओवर टाइम भी कर लेती है टू अर्न मोर मनी, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। तो ये कौन है, ये एक फैक्ट्री वर्कर है जो कि अमरदीप की फैक्ट्री में काम कर रही है और इसका नाम क्या है, राखी। अब हम डिस्कस करेंगे ऑफिस एरिया के बारे में। ऑफिसेज आर रन फॉर द सर्विस सेक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिटेलिंग ऑटोमोबाइल हॉस्पिटैलिटी बैंकिंग इंश्योरेंस टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जो ऑफिसेज हैं वो सर्विस सेक्टर्स के द्वारा रन किए जाते हैं और सर्विस सेक्टर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य है, इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, रिटेलिंग यानी कि फुटकर विक्रेता, वो सभी इन सेक्टर्स में आते हैं, सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। ऑटोमोबाइल ऑटो रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो सभी इसी सेक्टर में आती हैं। हॉस्पिटैलिटी यानी कि सत्कार, बैंकिंग इंश्योरेंस यानी कि बीमा, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार,
तो ये सभी क्या हैं आपके सर्विस सेक्टर्स हैं जिनके अंदर क्या रन करते हैं, ऑफिसेज रन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब ऑफिस एरियाज की। सम ऑफिसेज आर रन बाय द गवर्नमेंट, कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, वाइल अदर्स आर प्राइवेट कंसर्न, और जो अन्य ऑफिसेज हैं वो सभी कैसे कारोबार हैं, प्राइवेट कारोबार हैं। ऑफिसेज कैन बी बिग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्किंग देयर, जो ऑफिसेज हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और जिसके अंदर सौयों लोग काम करते हैं या कर रहे होते हैं वहाँ पर देयर, और वेरी स्मॉल, और कुछ ऑफिसेज तो काफ़ी छोटे भी होते हैं, विद जस्ट फ्यू पीपल इन वन रूम सेटअप, कुछ कुछ ऑफिसेज में केवल एक ही रूम होने की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सम ऑफिसेज इवन हैव ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स, कुछ ऑफिसेज तो ऐसे होते हैं जिनकी अपनी ही शाखाएं होती हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में। पीपल वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ देयर ऑफिसेज, जो लोग हैं वो अलग अलग विभागों में इन ऑफिसेज के अंदर काम कर रहे होते हैं। द ऑफिस डिपार्टमेंट्स इंक्लूड सेल्स, HR एंड अकाउंट्स, तो HR कौन सा डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, तो HR, अकाउंट्स और सेल्स ये क्या हैं, ऑफिस डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सेट्रा। मैनेजर्स सुपरवाइज द वर्क इन एन ऑफिस वाइल द क्लेरिकल स्टाफ डज द वर्क, जो मैनेजर्स हैं वो काम की देखभाल करते हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है इन एन ऑफिस, ऑफिस के अंदर, वाइल द क्लेरिकल स्टाफ, जो क्लेरिकल स्टाफ है यानी कि ऐसा स्टाफ है जो कि उस वर्क के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट है, उसी के लिए बना है, तो वो अपना काम करते रहते हैं। पियॉन्स कैरी मैसेजेस, जो चपरासी हैं वो मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं यानी कि एक मैसेज को दूसरी जगह पे ले जाने का काम करते हैं। एंड फोल्डर्स, फोल्डर्स को ले जाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन एन ऑफिस। अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़ दीज डेज इज़ द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम बोलते हैं BPO यूनिट। और आज के समय में जो मुख्य स्रोत है रोज़गार का इन सिटीज़ शहरों में वो क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम BPO बोल देते हैं, इट इज़ अ यूनिट। मैनी फॉरेन कंपनीज आउटसोर्स सम ऑफ देयर प्रोसेसेस टू द BPO इंडस्ट्रीज़, कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, आउटसोर्स करती हैं। आउटसोर्सिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेन गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर, कि वो जो आउटसाइड सप्लायर है उससे गुड्स एंड सर्विसेज को ऑप्टेन करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आउटसोर्सिंग। तो जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं वो इसी तरीके की आउटसोर्सिंग करती हैं, एंड सम ऑफ द देयर प्रोसेसेस टू द BPO इंडस्ट्री, और फिर आउटसोर्स करने के बाद वो इन प्रोसेसेस को किन्हें दे देते हैं, BPO इंडस्ट्री को। कॉल सेंटर्स इज़ अ यूनिट ऑफ अ BPO, जो कॉल्स BPOs को हम कॉल सेंटर्स से भी जानते हैं। इट हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीफोनिकली, और बहुत बड़ी बड़ी जो जानकारियां हैं वो हैंडल की जाती हैं किनके द्वारा, BPOs के द्वारा, टेलीफोनिकली यानी कि फ़ोन पर,
Besides these, there are hospitals, banks, post offices, educational institutions and various other institutions where people can find jobs. और बजाय इसके बहुत सारे ऐसे hospitals हैं, banks हैं, post offices हैं, यानी कि डाकघर जिन्हें हम बोल देते हैं, educational institution, शैक्षिक संस्थान एंड वेरियस अदर institutions और बहुत सारे अन्य संस्थान वेयर पीपल कैन फाइंड जॉब्स, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो नौकरियां हैं उनको ढूंढते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हाई मंथली वेज एम्प्लॉयमेंट, उच्च मासिक वेतन रोजगार. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. रोहन इज द मैनेजर ऑफ अ बैंक. जो रोहन है वो किसी बैंक का कौन है, मैनेजर है. हिज ऑफिस इज लोकेटेड इन एन एरिया वेयर देयर आर मैनी अदर ऑफिसेस. उसका जो ऑफिस है वो किसी ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, ऑफिसेस हैं. ही वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM. वो 9 AM टू 5 PM तक काम करता है. और जो वीक डेज हैं वो कौन कौन से हैं, मंडे टू सैटरडे. तो मंडे टू सैटरडे ही इज वर्किंग. From 9 AM to 5 PM यही उसके काम करने की क्या है, टाइमिंग्स हैं. ही हैज़ अ हॉलीडे ऑन संडे. उसकी संडे को क्या रहती है, छुट्टी रहती है. रोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली ऑपरेशन ऑफ द बैंक. जो रोहन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिम्मेदार होता है फॉर द डेली ऑपरेशन, जो रोज़ाना वहाँ पर क्रियाकलाप होते हैं बैंक के अंदर उनके लिए. ही इंश्योर्स, वो ये सुनिश्चित करता है कि जो बैंक स्टाफ है वो अपना जो काम है वो सही तरीके से कर रहे हैं. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स एंड बूस्टिंग प्रॉफिट्स. और वो इस चीज़ के लिए भी ज़िम्मेदार होता है ताकि वो बैंक को जो नए ग्राहक है वो भी लाकर दे सके. एंड बूस्टिंग प्रॉफिट्स, और उस बैंक का क्या बढ़ाना, मुनाफा बढ़ाना, ये भी उसका काम है. ही हायर्स न्यू स्टाफ, और वो नए स्टाफ को क्या करता है, हायर करता है, यानी कि रख लेता है. एंड ट्रेन्स देम इन द बैंक प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग मनी. और उनको शिक्षित करता है अबाउट द बैंक्स प्रोसीजर, बैंक के प्रोसीजर के बारे में उन्हें बताता है. फॉर हैंडलिंग मनी, कि जो पैसा है वो किस तरीके से हैंडल किया जाता है इन अ बैंक. रोहन इज़ कर्टियस. रोहन जो है वो काफ़ी विनम्र है. कर्टियस को हम क्या बोलते हैं, विनम्र. एंड हैंडल्स द कस्टमर कंप्लेंट्स टैक्टफुली. और जो ग्राहक हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनको बहुत चतुराई से क्या करता है, हैंडल करता है. ही ऑल्सो क्रॉस चेक्स द डेली ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बैंक. और वो रोजाना के जो लेन देन है, जो कि बैंक से लिए जाते हैं, उनको भी चेक करता रहता है. रोहन गेट्स अ फिक्स्ड सैलरी एवरी मंथ. जो रोहन है उसको फिक्स्ड, यानी कि एक निश्चित वेतन हर महीने मिलता है. ही इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉई. वो कौन है, एक परमानेंट एम्प्लॉई है. ही हैज़ ऑप्टेड फॉर द प्रोविडेंट फंड स्कीम. और उसको प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पेंशन, उसके लिए उसको चुना गया होता है. अंडर दिस
ही वॉलेंट्री डिपॉजिट्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, और इसके अंदर वो स्वेच्छा से क्या करता है, डिपॉजिट करता है लाभ उठाता है अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, जो जब उसकी क्या आती है, मंथली इनकम आती है. दस ही इज सेविंग फॉर हिज रिटायरमेंट पीरियड, तो वो क्या करता है, ये उसके लिए क्या है, बचत है, और वो ये बचत अपना जब रिटायरमेंट पीरियड आता है उसके लिए करता है. रोहन कैन अवेल कैजुअल लीव्स, जो रोहन है वो लाभ उठाता है कैजुअल लीव्स का, यानी कि सीएल का, जो कि उसे मिलती हैं उस बैंक में, एंड मेडिकल लीव्स जिसे हम बोलते हैं एमएल, तो वो इन दोनों लीव्स का क्या बनाता उठाता है, फ़ायदा उठाता है या लाभ उठाता है. ही कैन ऑल्सो टेक एनुअल लीव्स एंड गो ऑन अ वैकेशन, और वो क्या करता है, वार्षिकी छुट्टियां ले लेता है एंड वैकेशंस पर चला जाता है, छुट्टी पर चला जाता है. रोहन अदर बेनिफिट्स इंक्लूड बोनस, सब्सिडाइज्ड लोन्स. सब्सिडाइज्ड लोन्स कौन से होते हैं, लोन्स फॉर विच अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विद फाइनेंशियल नीड्स, ऐसे लोन्स जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के द्वारा लिए जाते हैं ताकि उनकी जो आर्थिक ज़रूरत है वो पूरी हो सके, तो उनको हम बोलते हैं सब्सिडाइज्ड लोन्स. पेंशंस, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस करा ही था कि जो पेंशंस हैं दे ऑल कम अंडर द प्रोविडेंट फंड स्कीम. इवन दो द अर्बन एरियाज ऑफर सो मैनी फैसिलिटीज़, यहाँ तक कि जो गांव के जो शहरी क्षेत्र हैं वो बहुत सारी जो सुविधाएँ हैं वो देते हैं, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी जो व्यवसायिक अवसर हैं वो प्रदान करते हैं, एंड ल्यूकेरेटिव लाइफस्टाइल, और एक आकर्षक जीवन शैली भी देते हैं. दीज एरियाज आर नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी भी मुसीबतों से आज़ाद नहीं होते हैं. अर्बन एरियाज विटनेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्गेशन, सैनिटेशन, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन सिविक एमिनिटीज. तो जो अर्बन एरियाज हैं वो अर्बन एरियाज यानी कि जो आपके शहरी क्षेत्र हैं वो क्या बनते हैं, गवाह बनते हैं लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुसीबतों का, इन टर्म्स ऑफ कॉन्गेशन. कॉन्गेशन का मतलब है भीड़ भाड़, कि जो भीड़ भाड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है. दूसरा सैनिटेशन, जो स्वच्छता है उसका विशेष ध्यान रखना भी जो उन्हीं नागरिकों के ऊपर है जो उस देश में रह रहे हैं, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. अब जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, जो नगरीय सुविधाएं हैं जिनके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, तो ये सभी क्या हैं, दीज ऑल आर सिविक एमिनिटीज़. तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन प्रेशर यानी कि जनसंख्या दबाव
जो होता है उसकी वजह से जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, और सिविक एमिनिटीज़ में आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो स्टूडेंट्स है वो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। आई थिंक आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और आप सुबह को उठें तो अपने मम्मी पापा के पैर छुएं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें और देखें कि जो आपका दिन है वो कितना अच्छा जाएगा जब आप ये सब काम स्टार्ट कर देंगे। तो आज से ही अपने माता पिता के पैर छूने शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।